हरि ओम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने ईएनबी के लेसन 12 वेदर एंड सीजन, यस लेसन 12 करवानी है। ओके, मिसिंग लेटर्स। ओके, अब मैंने स्टार्ट करूंगी मिसिंग लेटर्स। आप लोग नोटबुक में लिखना मिसिंग लेटर्स। ओके, कल 5 तक करवाया था एनबी में, आज 6 नंबर। ये है मिसिंग लेटर, हमने मिस किया कौन सी कौन सी, ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है आंसर में। चलो लिखो, आर मिसिंग में क्या होगा, मैं कलरिंग में लिख रही हूँ। ओके, अब यहाँ बैठते थे क्यों वहां चले गए, यहाँ से बैठ करते वहाँ क्या है, राजवीर बैठे, ये तो कुछ लिखेगा नहीं, खाली खाली बैठ के क्या करेगी, हम कुछ भी नहीं लिखते एक वार्ड भी, ठीक है। आर ई री पी यू बी एल आई सी रिपब्लिक डे, डी ए वाई रिपब्लिक डे celebrated C E L E B R A T E D celebrated in D pen P E N P A N kya aayega independence D E N C E
celebrated Independence Day? हो गया लिखा? मैंने आप क्वेश्चन आंसर लिखूंगी, आप कर दे जल्दी। हाँ जल्दी आप चला। In I N in D D D pen P N pen dance D E N C E Independence Day D A Y Assembly A double S E M B L Y Assembly homework सब लिख लेना साइड में या नीचे एक लाइन ब्रैकेट करके इसे साइड में बॉक्स बना के लिख लेना। सेप्टेम्बर एस ई पी टी ई एम बी ई आर सेप्टेम्बर हो गया। चलो जल्दी आप लोगों के लिए मुझे बैठना नहीं, मेरा और नहीं होगा। वहां से भी नहीं दिख रहा है आपको? वहां से भी नहीं दिख रहा है? रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे असेंबली सेप्टेम्बर हो गया। होमा लिख लो साथ साथ, तुरंत ब्रैकेट लगा के होमा लिख लो। ओमा कहाँ लिखा? वहाँ लिखा ये जो ओमा ब्रैकेट में दिया है उसने लिखा। खाली ये भी नहीं, वहाँ ओमा लिखना है सेम एज क्लास वर्क लर्न, जो क्लास वर्क कराया उसको लर्न करना है। अब मैंने क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है ओके। क्वेश्चन आंसर तो हो गया होगा नहीं? अब इतने बहन और फिर निशान रिवीजन करा दी ओके, यहाँ लिख लेना। लेसन 11 12 रिवीजन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
नेम ऑफ योर स्कूल, स्कूल का नाम क्या पता है आप लोगों को? क्या है? नो तेजस। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, स्कूल का नाम क्या है? लिटिल बर्ड स्कूल। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? लेकिन बोल देते हो गलत, आप लोग लिखते हो। पहले मैंने कराओ, व्हाट क्वेश्चन भी लिखना है, आंसर भी लिखना है आपको नोटबुक में। व्हाट इज द नेम, लिखो नेम ऑफ योर स्कूल। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? स्कूल का नाम क्या है? स्लो, पहले लिखो, पहले लिखो फटाफट, आपका बहुत स्लो राइटिंग है। माय स्कूल नेम इज लिटिल बर्ड स्कूल। माय स्कूल नेम इज लिटिल बर्ड स्कूल। देखो लिटिल का एल कैपिटल लिखा, बर्ड का बी कैपिटल लिखा, स्कूल का व्हाट हैपेंड? पीछे स्टूडेंट है, आप सामने क्यों खड़े हो गए सर? आपके ओके। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर टू। सेकेंडरी स्कूल क्वेश्चन चिन्ह लगाना है, जो आप क्वेश्चन पूछते हैं ना उसका साइन भी करना है इसे। इट इज ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। इसमें प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, हैं? फर्स्ट टू एट तक प्राइमरी, फिर नाइन टेन सेकेंडरी स्कूल और इलेवन ट्वेल्व हायर सेकेंडरी स्कूल। यस, इट इज ए प्राइमरी and secondary school. Okay.
learn to read, draw, sing, to read, draw, sing, dance and play games. Dance and play games. Okay, लिख लो फिर बाद में करेंगे. Okay. दिखाई नहीं दे रहा है. वेजिटेबल मैंने पास में ले लूंगी. What is the name of your school? My school name is Little Bird School. देखो Little Bird का L capital, Bird का B capital, School का S capital. ध्यान रखना. हाँ, Little Bird School. जल्दी लिखो. Question number 2. Is it a primary or a secondary school? Is it a primary or secondary school? क्या आएगा? हो गया ना मेरा आप करो आप कहाँ तक हो गया समय तो बैठे क्यों हो जल्दी जाओ और आप करोगे हो गया वो कुछ नहीं लिख रहा है ना बेटा What is the primary or secondary school? School में दोनों ही है, both. मतलब primary है और secondary भी है. Yes. क्या हुआ बेटा? आँखों में क्यों पानी आ रहा है? जया, क्या हुआ? यहाँ जा. क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मी चाहिए वो बाबू अरे तो चुप वीडियो चल वीडियो चल हम तो ना से वीडियो लो ना देखो ये सब लोग हंस लग जाएगी मैं बोलेंगे कि ये कैसी है मैं मम्मी को कहाँ से ला के दूँ अभी तो उसका भाई मुझको पता है किसकी भाई को पता है बोला दे ओके अच्छे बच्चे रहते हैं इनका क्यों ना दो कितने दिन से वो स्कूल आए ना अभी भी यानी इतना गुणगान हो गया नहीं मैं तो प्राउड फील कर रही हूँ वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा है सब कोई होता पता नहीं देखो राम को देखो वो राम जी का क्या है रोना नहीं है तुम तो कितने चार घंटे में जरूर स्कूल तो छुट्टी हो जाएगा ये लेकर आओ यहाँ बैठ जाओ मैं तेरी दादा के लिए कुछ ना बैठ जाओ हाँ बैठ इधर से काम बोले तो क्या बोले एरिया का ये वाला डब्बा है ना वो नीचे रख दो तो पीछे तुम लास्ट में नीचे रख दो हाँ लेके चलो एक साइड से हाँ धीरे एकदम पीछे दीवार साइड में रख दो हाँ बस बस हाँ
नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन आंसर, और नहीं तो दूसरा बुक लर्न कराएंगे। ओके हाँ, यहाँ जो भी कराया जाएगा वही होमवर्क में करोगे, एच डब्ल्यू लिख के क्लास और जो सी डब्ल्यू लिख के है, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं, आप लोग को लर्न करना पड़ेगा और घर पे आके थोड़ा आपको पढ़ना है। क्यों? अगर एग्जाम स्कूल में कोई बुलाया तो एग्जाम स्कूल में है तो आपको लिखना पड़ेगा।